पश्चिम बंगाल गवर्नर जगदीप धनखड़ ने नारदा घोटाले में टीएमसी के टॉप नेताओं पर केस चलाने को मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। आरोप, महिला डॉक्टर ने कॉल रिसीव नहीं किया तो शराब के नशे में क्वार्टर में घुस गए डीआईजी। क्या जंग की तैयारी में है ड्रैगन? अरब सागर में चीन और रूस का बड़ा हथियारों का जाखीरा बरामद। बंगाल, ममता बनर्जी की नई कैबिनेट, 43 टीएमसी नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ। कांग्रेस से बीजेपी में आकर सीएम बनने वाले तीसरे नेता होंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। पंजाब, छोटा भाई ही निकला बहन का कातिल, दोस्त के साथ मिलकर उतार दी बहन के सीने में 9 गोलियां। एमपी, प्रोफेसर पत्नी ने दी डॉक्टर को दर्दनाक मौत, हत्या के 8 दिन बाद पर्दाफाश। राजस्थान, डांसर को देख ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाला, खुद ही शादी में नाचने लगा, खूब पैसे भी लुटाए, अब हुआ सस्पेंड। बड़ी खबर, विदेशों से मिल रही मदद पर राहुल का केंद्र पर हमला, कहा सरकार ने अपना काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती। एक्टर राहुल वोहरा का कोरोना के चलते निधन, फेसबुक पर लिखा था अच्छी इलाज मिलती तो मैं ही बच जाता। ग्रेटर नोएडा जीआईएमएस अस्पताल में कोविड-19 मरीजों के लिए बढ़ाए गए 100 बेड्स, उद्घाटन समारोह आज। लखनऊ और वाराणसी में सामने आए ब्लैक फंगस के मामले, कैंसर की तरह गला रहा हड्डियां। उत्तराखंड में 11 से 18 मई तक कोरोना कर्फ्यू का ऐलान, जानिए क्या खुला और क्या रहेगा बंद। खत्म होगा टीके का संकट, जुलाई से देश में ही होगा रूस की स्पुतनिक वी का उत्पादन। कोरोना का कहर, तीनों राज्यों की यूपी बॉर्डर सील, आवागमन में कड़ी जांच। जायजा, प्रधानमंत्री ने कोरोना के हालात पर 4 राज्यों के मुख्यमंत्री से की बात। पराई भूमि पर नजर, दुनिया से छिपकर भूटान की सीमा में चाइना ने बसाया गांव, इंडिया को घेरने की तैयारी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूत होगी ताकत, डीआरडीओ की 2 डीजी की 1 महीने में सप्लाई। बंगाल, मिथुन चक्रवर्ती और दिलीप घोष पर भड़काऊ भाषण का आरोप, कोलकाता में FIR। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।